एवरीवन कैसे ही आप सब तो आज इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को की यूनिवर्सिटी में एफ आई पी कि स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स आप सही बच्चों, बच्चों को हमने दो वीडियो डिटेल एजुकेशन के करवा दिए थे जहां पे आपसे ही बच्चों का कुछ कुछ सिलेबस कवर हो गया था क्योंकि तीन यूनिट पढ़ रहे आपसे बच्चों को लेकिन तीन यूनिट में देखिए बहुत सारे छोटे छोटे -छोड़ है वो सब हम लोग कवर करते चल रहे हैं तो आज का ये जो वीडियो है हमारा इसमें बच्चों को टोटल वही लगभग करवाया जाएगा जो कि आपके पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में बेलाइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है जहां भी करना चाहे फॉलो कर सकते हैं कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा देखिए आप सही बच्चों को हमने जो प्रीवियस वीडियो में ये तो क्वेश्चन से, से कौन सा जो नेटवर्क में जो सर्विस को बेसिकली क्या करता है? यूजर को प्रदान करता है या फिर देता है तो फिजिकल लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर तो किस लेयर के बेसिकली सर्विस प्रोवाइड होता है यूजर को तो होता है एप्लीकेशन लेयर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर इसका राइट right आंसर होगा अगला सवाल बोला गया विच कनेक्शन इनेसेसरी नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर टू ज्वाइन द नेटवर्क देखिए इनमें से कौन सा कनेक्शन जरूरी है कि किसी भी कंप्यूटर को अगर इंटरनेट ज्वाइन करना तो यह कनेक्शन होना पड़ेगा इंटरनेट सोसाइटी ऑप्शन नंबर ए फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और या फिर आपसे बच्चों को डिफरेंट कंप्यूटर या फिर इंटरनेट आर्किटेक्चर जो बोर्ड है हमारे पास तो अगर किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को ज्वाइन करना है तो आपको शो सर्विस प्रोवाइडर को उससे जुड़ना पड़ेगा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फिर अगला सवाल बोला गया Which ऑफ द following अलाउज यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू remote रिमोट कंप्यूटर देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर क्या करते हैं अलाउ किए जाते हैं कि आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आप उससे लॉग इन कर सकते हैं किसी भी रिमोट कंप्यूटर से एस एम टी पी आपके पास है फिर एस टी टीपी है फिर एफ टीपी है फिर टेलनेट है, है हमारे पास तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी टिका सही जवाब अगला सवाल बोला गया कि विच ऑफ द फॉलिंग इज यूज इन एन अटेम्प्ट टू रेंडर ए कंप्यूटर रिसोर्स अनेबल टू इट्स intended यूजर इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेसिकली यूज किया जाता है हमारे पास कोई भी रेंडर कंप्यूटर रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं अनेबल करते हैं इंटेंडर यूजर के लिए तो बॉटनेट प्रोसेस के थ्रू वार्म अटैक के लिए या वायरस अटैक के लिए या फिर हम लोग डिनाइल करते हैं सर्विस अटैक के लिए तो क्या हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ऑप्शन नंबर डी फिर अगला सवाल है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस यूजर नेटवर्क तो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कैन वर्क इन एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर वर्क करता है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड पे या फिर एड हॉक मोड पे या फिर दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर मोड और एड हॉक मोड सही है या फिर डब्लू डी एस मोड पे काम करता है तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मोड भी सही है और एड हॉक मोड भी सही है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा फिर अगला सवाल बोला गया इन वायरलेस नेटवर्क नेटवर्क में हमारे पास एक्सटेंडेड जो सर्विस सेट होता है वो किस है उनका या फिर कनेक्टेड रहते हैं जो एक्सेस पॉइंट का कनेक्शन उसी के द्वारा तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सर्विस सेट ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा ए नंबर इसका राइट right आंसर टिक करिएगा अगला सवाल बोला गया मोस्टली डैश इज यूज्ड इन वायरलेस लाइन देखिए इनमें से किसका हम इस्तेमाल करते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फिर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फिर स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फिर चैनल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं वायरलेस लाइन के लिए तो होगा बच्चों हमारे पास क्या ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा फिर अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट पॉसिबल इन वायरलेस लैन इनमें से कौन सा इवेंट है जो वायरलेस लोकल नेटवर्क में पॉसिबल नहीं है कॉलिजेंट डिटेक्शन या फिर एक्नोलेजमेंट ऑफ डेटा फ्रेम्स या फिर मल्टी मोड डेटा ट्रांसमिशन या फिर कनेक्टेड टू अ वायर नेटवर्क इनमें से कौन सा बोला गया इवेंट जो इन घटना है वो हमारे पास वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क साथ नहीं हो सकता है वह कॉलिजेंट डिटेक्शन ये हम लोग पता नहीं कर सकते तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका सही जवाब होगा फिर अगला सवाल है पूछा गया है कि वाट इज वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइविजी डब्ल्यू ईपी जिसे फुलबॉम में कहा जाता है मैं वाइट इक्वेल ये क्या है एक सिक्योरिटी अलगोइथम है इंटरनेट के लिए या सिक्योरिटी है वायरलेस नेटवर्क के लिए या ऑप्शन नंबर सी है सिक्योरिटी अलगोइथम फॉर यूएसबी कम्युनिकेशन के लिए या सिक्योरिटी अलगोइथम ई मेल्स के लिए तो ये हमारे पास क्या करता है एक सिक्योरिटी अलग है बेसिकली वायरलेस नेटवर्क के रूप में काम करता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा देखिए जिस तरह आपने डब्ल्यू पढ़ा यानी वाइड इक्विपमेंट प्राइवेसी पढ़ा उसी तरह डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास तो याद रखिएगा वाई प्रोटेक्टेड एक्सेस कहा जाता है डब्ल्यू और ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए नंबर में इसका सही जवाब आपको यहां पर दिख रहा होगा तो ये आप बच्चों तो दस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रख रहे हैं अब चलिए बाकी सवालों को हम लोग कंप्लीट करते हैं देखिए अगला सवाल हमने आपके लिए यूनिट वन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया जिसमें आप सभी बच्चों क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन टॉपिक में दिया हुआ है उसमें से पहला सवाल चलिए हम करते हैं कंप्लीट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन कोई भी प्रेजेंटेशन आप तैयार करें उसका मूल अगर कहा जाए भाई प्राथमिक आपका उद्देश्य क्या है टू एंटरटेन द ऑडियंस क्या आप ऑडियंस को भाई लुभाने के लिए या फिर मनोरंजन के लिए कर रहे हो या फिर टू इन्फॉर्म और देखिए अगर हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बच्चों पीपीटी के पढ़ा रहा हूं या फिर बना तो क्यों बना रहा हूं? ताकि आप सभी बच्चों सही से समझ आ सके अच्छे से आप नजर आएगा तो पढ़ पाइएगा तो आपको इन्फॉर्म करना या प्रस्यूट करना ऑडियंस यानी आप हमारी जनता है आप हमारे छात्र छात्रा हैं आप हमारे भाई बहन हैं तो आप सभी बच्चों के लिए हम लोग ये मेहनत करते हैं तो उसी प्रकार प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या कहता है ऑडियंस के लिए इन्फॉर्मेशन देना या प्रस्यूट करने किया जाता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर अगला बोला है विच ऑफ द से कौन सा ऑप्शन हमारे पास है या, कौन सा चीज़ है अगर हम है या फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाते हैं फिर डिस्ट्रैक्टिंग एनिमेशन या फिर अनरिलेटेड में देखिए अगर आपसी बच्चों को हम क्या करते हैं आप देखिए हमने यहाँ पे ब्लैक इस्तेमाल किया एक रेगुलर वे में देखिएगा तो हमारे कैपिटल स्मॉल लेटर या फिर जो कह सकते हैं जो स्टाइल हमारे पास वो सेम प्रकार का रहता है तो यहां पर इससे क्या होता है ये एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी प्रेजेंटेशन स्लाइड का तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट फॉन्ट्स एंड कलर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा फिर अगला बोला कि आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर सवाल में कि व्हाट इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट्स पर स्लाइड किसी भी बुलेट सॉरी किसी भी अगर हमारे पास स्लाइड में नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एक तीन पांच सात तो याद रखिए पांच होते हैं हमारे पास तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा फिर अगला बोला है वेन क्रिएटिंग आप क्या कर रहे हैं एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो कौन सा आपके लिए टूल जो कॉमनली यूज होगा अगर आप टेबल्स स्लाइड्स को क्या करते हो डिजाइन करते हो तो वर्ड प्रोसेस का, वर्ड प्रोसेसर का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट का तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों वो होगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा फिर अगला बोला गया व्हाट इज अ की एडवांटेज ऑफ यूजिंग विजुअल्स इन अ प्रेजेंटेशन अगर हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन में अगर हम लोग विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा दे टेक अप क्या वो जगह खाएगा या दे कैन कंफ्यूज ऑडियंस क्या ये ऑडियंस को कन्फ्यूज करेगा या फिर ये लोगों को अटेंशन पाने में या फिर कहा जाए उनको समझने में हेल्प करेगा या फिर सिर्फ डेकोरेशन करते हैं नहीं भाई हम लोग जो स्लाइड्स में अगर मान ली कोई विजुअल जोड़ते हैं कोई ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो लोगों को समझाने के लिए बेहतर तरीके से समझाए ये काम रहता है हमारे पास तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट right आंसर हो जाएगा फिर अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड फॉर इंगेजिंग द ऑडियंस ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन इनमें से कौन सा टेक्निक है बेसिकली जो कि ऑडियंस को इंगेज करने के लिए प्रेजेंटेशन किया जाता है रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम स्लाइड आप स्लाइड से डायरेक्टली रीड कर सकते हो आस्किंग क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेशन देखिए अगर आपसे ही बच्चों को जैसे हमने क्या क्या पढ़ाया पढ़ाने के बाद अगर आपसे ही बच्चों को क्वेश्चन किया जाता है और उसके लिए आपको मोटिवेट किया जाए इंकरेज किया जाएगा तो ये लोगों को क्या करता है इंगेज करने में हेल्प करता है तो ये तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आस्किंग क्वेश्चन एंड इनक्रेजिंग पार्टिसिपेशन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर इसका राइट right आंसर होगा फिर अगला सवाल बोला गया है हाउ शूडेंट प्रेजेंटर हैंडलर सॉरी हैंडल क्वेश्चन ड्यूरिंग क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऑप्शन बताया गया कि जो प्रेजेंटेशन हैंडल क्वेश्चन को किस हैंडल करता है बेसिकली प्रेजेंटेशन में इग्नोर करता है जब तक लास्ट ना हो खत्म ना हो या सारे के सारे के आंसर देम एज दे कम जैसे जैसे आता है है वैसे सवाल जवाब देते चला जाता है। या फिर ओनली सिर्फ उसी सवाल का जवाब देता है जो कि सिलेक्ट इंडिविजुअल के लिए होता है या फिर आप क्या करते डिसमिस एनी क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन जवाब नहीं देते हो आप बताइए क्या करोगे अगर आप मान लीजिए प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप प्रेजेंटेशन हैंडल कैसे करोगे भाई आप क्या करोगे सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिखाओगे

फिर अगला सवाल है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग या प्रेजेंटेशन बिफोर डिलीवरी अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन को क्या करो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्यों है प्रैक्टिस करना किसी प्रेजेंटेशन आप अपना स्पीच के पहले या डिलीवरी के पहले बने तो टू मेमोराइज एवरी वर्ड आप सभी वर्ड को याद करना चाहते हो आप जब समझाने जाओ तो वो आप स्मूथली समझा सके हो टाइमिंग के हिसाब से समझ सको ताकि इससे किसी को समझने में दिक्कत भी ना प्लस आप अपने टाइम पे उस चीज को खत्म कर सको तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी एंड क्या हो जाएगा टाइमिंग फिर अगला सवाल पूछा गया विच एलिमेंट इज नॉट टाइपिकली इंक्लूडेड इन प्रेजेंटेशन कंक्लूजन इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है हम टाइपिकली जो प्रेजेंटेशन कंक्लूजन होता है उसमें ऐड नहीं करते ये बताना है समरी ऑफ की पॉइंट्स यानी जो की पॉइंट्स है हमारे उसका समरी या फिर कॉल टू एक्शन या न्यू इन्फॉर्मेशन या देखिए जब हमने स्लाइड बना लिया तो भाई उसमें कभी भी नया चीज नहीं जोड़ते हम लोग ठीक है तो न्यू इन्फॉर्मेशन ये हो जाएगा राइट आंसर फिर अगला है विच ऑफ प्रैक्टिस फॉर ऑफ प्रेजेंटेशन देखिए मतलब आपको एक स्लाइड दिया हुआ है और एक स्लाइड को एक मिनट में बोल के क्या करना है खत्म करना है समझाना भी है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा फिर अगला है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग विजुअल तो ऑब्वियसली बात है हम समझाने के लिए बढ़ाते हैं इन इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड इन ए स्लाइड डिजाइन इनमें से किस चीज को हम लोग क्या करते हैं अवॉइड करते हैं स्लाइड पहला हाई कॉन्ट्रेस्ट कलर के कारण या फिर यूजिंग बुलेट्स या फिर ओवरलोडिंग क्या करते हैं स्लाइड्स टेस्ट या नहीं हम लोग क्या करते हैं स्लाइड डिजाइन में बेसिकली अवॉइड करते हैं ओवरलोडिंग स्लाइड क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर होगा फिर अगला है व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रॉट साइज फॉर देखिए अगर हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड में जो फ्रॉट साइज होता है उसका क्या रिकमेंडेड फ्रंट साइज होता है हमारे पास 18 से लेकर 24 पीटी के बीच में होता है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर होगा फिर अगला बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव इफेक्टिव वे एक तरीका आप अपने ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो तो आप उनके क्या करते हो सवाल पूछ सकते हो या अगर वो आप सवाल पूछेंगे तो आप उनका सभी का जवाब दोगे तो उनसे वो इंगेज रहते हैं तो आस्किंग क्वेश्चन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिर अगला है व्हाट शुड यू डू आप क्या करोगे जब आपसे ही बच्चों को टेक्निकल इशू आ जाता है प्रेजेंटेशन के दौरान देखिए ऑब्वियसली बात है कि इंटरनेट है प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपसे बच्चों इंटरनेट का काम है इंटरनेट है इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चीज यहाँ रोल प्ले करती है तो अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप उस चीज को किस प्रकार एनकाउंटर करोगे किस प्रकार बचोगे आप क्या पैनिक करने लगोगे या प्रिंटर रोक दोगे नहीं ऐसे नहीं इग्नोर करोगे लगातार नहीं ये भी नहीं करोगे आप शांत रहोगे और उस चीज को दूर करने की कोशिश करोगे या किसी से हेल्प मांगोगे ये सबसे बड़ा या फिर टेक्नोलॉजी को बुझ दोगे नहीं भाई टेक्नोलॉजी नहीं आपको शांत रहना है लोगों को समझाना है या फिर किसी हेल्प मांगनी कि ठीक करिए इसको धीरे धीरे करके तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा फिर अगला बोला गया क्वेश्चन नंबर इट वेन इज इट अप्रोप्रिएट टू यूज देखिए अगर किसी भी हम प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अप्रोप्रिएट मतलब क्यों यूज करना ताकि हम जितना हो सके की पॉइंट जो समझाना चाहते हैं वो बेसिकली एनिमेशन के थ्रू समझा दे और लोग अच्छे समझते भी इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर

और अगला सवाल पूछा गया आपसे ही बच्चों के लिए व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू कंक्लूड प्रेजेंटेशन देखिए किसी भी और सजेस्ट करोगे में ये इसका सही ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा तो इस तरह आज हमने आपको वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों को यूनिट वन यूनिट टू में बन रहे थे वो भी हमने आपको कम्पीट कर दिए बाकी जो बच्चे यूनिट थर्ड से बोलने लेंगे और पढ़ना है बेसिकली वो भी हम कवर करा देंगे तो इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं तो जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक लिए जय हिंद और जय भारत